हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीदों के अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक चूल्हे पर बर्तन गरम कढ़ाई रखी है और ये कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। हमने सरसों का तेल यूज़ किया। और तेल अब हमारा गरम हो रहा है। अब इसके अंदर गरम हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसके अंदर तड़के के लिए हम जीरा डालेंगे। ये देखिए, हमने तेज पत्ता डाल दिया। ये हमने जीरा डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर भुने हुए ये हमारे कद्दूकस के प्याज, अब ये इसके अंदर प्याज डालेंगे और अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भुनेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे प्याज के गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी को ऐड करेंगे। इस प्यूरी के अंदर हमने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल के ये हमने प्यूरी बनाई है अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर मसाले के ऐड किए, तो हमने सबसे पहले जो मसाला डाला वो हल्दी है। और ये हमने धनिया का पाउडर डाल दिया इसके अंदर। और अभी हम लाल मिर्ची डाल रहे हैं। ये हमने लाल मिर्ची डाल दी। और ये हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। और इस टमाटर प्यूरी को हमने तब तक जो सब ये हमारे टमाटर साइड से तेल ना छोड़ दे। अब इसके अंदर हमने गरम मसाले को ऐड किया। और ये हमारी कस्तूरी मेथी गई है इसके अंदर। इसको अच्छे से हम चलाएंगे। और ये हमारा ये भुने हुए जीरे हैं। जीरा पाउडर हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर। इसको अच्छे से चलाएंगे। हमारे टमाटर अच्छे से मसालों के साथ पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम पनीर के पीसेस को ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमने क्यूब के शेप में पनीर को काटा है। इनको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे अपने पनीर को। हम पानी ऐड कर रहे हैं, जितना पानी हमें चाहिए।
अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। देखिए देखिए थोड़ी देर हो चुकी है, हम सब्जी को देखते हैं ढक्कन हटा के सब्जी का क्या हाल है। देखिए दोस्तों हम सब्जी थोड़ी पकी हुई लग रही है, लेकिन हमें थोड़ी गाढ़ी चाहिए इसलिए इनको वापस हम पकाएंगे। देखिए थोड़ी देर हो चुकी है, हम वापस हमें सब्जी को ढक्कन हटा के देखिए सब्जी का क्या हाल है। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, हमें अब ऐसी सब्जी चाहिए। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया। दोस्तों हमारी गर्मा गर्म ये पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है, सब गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ खाइएगा, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और दोस्तों अब हमें खा के बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और दोस्तों हम नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। दोस्तों बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।